नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
take your seats, boys and girls. उम्दा है आप लोग पढ़ने लिखने तो आते नहीं, बाप की कमाई बर्बाद करने कॉलेज चले आते हैं। आज फिर देरी से आए हो बचवा लोग, जाओ कछुआ बनो। ई घेराव कैसन है? प्रिंसिपल साहब नहीं बतावेंगे। अबे बेवड़े बोल के उड़े, प्रिंसिपल कहाँ है? नहीं बतावेंगे, बताते बताएंगे कहाँ है? नहीं बतावेंगे। दारू पिलाएंगे, दारू पिलाएंगे तो हम बतावेंगे। ऊपर है, ऊपर है, पैसे दारू के बाद में देंगे। जाओ नहीं तो बहुत मारेंगे। टुडे आई विल टेल यू रिगार्डिंग हेल्थ एंड डाइट। मारे आइए, अंदर आइए, बैठिए। आप भी आ गए, किताब उताब तो कुछ लाते नहीं, चलिए बैठिए, चलिए। आप वहां छुपे क्यों हैं? आइए। गुड मॉर्निंग सॉरी, चलिए बैठिए। आई वॉज टेलिंग अबाउट हेल्थ एंड डाइट। यस, व्हाट इज देयर? सर आपने अपनी हेल्थ को कैसे बैलेंस किया? सर सर आप क्या कहते हैं? क्वाइट क्वाइट प्लीज, बी क्वाइट। साइलेंस। पांडु पांडु। जी सर। तुम बिना पूछे अंदर कैसे चले आए? गलती हो ही गई सर। हाँ सर, क्या हम अंदर आई सकत हैं? हाँ अब अंदर आ जाओ, बोलो क्या बात है? प्रिंसिपल साहब बुलाए हैं। हैं? प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है? खैरियत तो है? कोई गड़बड़ तो नहीं? बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है? चिट्ठी में गड़बड़ है। चिट्ठी में? लाओ देखूं। भाई चिट्ठी आपके नाम थोड़ा ही है। तो फिर किसके नाम है ये चिट्ठी? तीनों छोकरन के नाम है। हाँ, तो इनके नाम है। आओ देर से, जाओ ले जाओ इन्हें। चलो चलो। आप कॉलेज के एक जिम्मेदार आदमी हैं। इस तरह लापरवाही बरतने का मतलब होता है इनसिंसियरिटी, और इनसिंसियरिटी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर, क्या सर? मैंने आपको कितनी बार बताया है? बट सर, देखिए ये रजिस्टर कंप्लीट करके शाम को मेरे घर ले आइए। ऑलराइट सर। कंफू कराते हमको डराते, जाओ तुमको प्रिंसिपल बताते, हमको दारू नहीं मिलाते। जाओ तुम लोग आज फिर देर से आए। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, एक ही क्लास में तीन साल से फेल हो रहे हो। इस साल भी नहीं पास हो सकते अगर इसी तरह पढ़ते रहे। आखिर तुम लोग सुधरना क्यों नहीं चाहते? अपने मां बाप के पैसे बर्बाद करने से क्या फायदा है? अगर तुम लोगों को दो रोटी कमाने के लिए कह दिया जाए तो वो भी नहीं कर सकोगे। लेकिन तुम्हें भी ख्याल नहीं, तुम तो अपनी मां की परेशानी समझ सकते हो। बेचारी कितनी मुश्किल से पढ़ा रही होगी, इन्हें क्या फर्क पड़ता है? रईस माँ बाप के बेटे हैं। देखो भाई, अगर तुम लोगों को इस कॉलेज में पढ़ना है तो खुद को संभालना पड़ेगा। जब तक अपने पैर पे खड़े रहने की कोशिश नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, समझे? जाओ क्लास में जाओ। ठहरो, तुम्हें प्यार से समझाने का मतलब ये नहीं कि मैं सीधा साधा हूं, कुछ देख नहीं सकता। एक मिनट में तुम लोगों की खाल उधेड़ दूंगा, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज तुम लोगों की गलती करने का आखिरी दिन है। सर, आपने कुछ कहा सर?
नहीं कुछ नहीं, तुम जाओ। जब भी इसे देखता हूं प्रकाश मेरी नजरों के सामने आ जाता है। यस सर, आई हैव कम। मैंने कहा था कि 15 मिनट में आऊंगा, आया 13 मिनट में। आना जाना 5 मिनट, प्रोसेसिंग 8 मिनट। अपनी जिंदगी में हर काम फास्ट होता है सर। पैदा हुआ तो फास्ट 8 महीने में, शादी हुई वो भी फास्ट 2 दिन में, और अब बच्चा हुआ तो भी। I'm sorry सर। सर मेरी जो मोबाइल है ना सर, इज लाइक अ जेट प्लेन, वेरी फास्ट। बेटे अपने जेट को जरा धीरे चलाया करो। ओ नो सर, लाइफ इज टू फास्ट, लाइफ इज जस्ट टू फास्ट। वो इज मीना, 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 ओ मीना। क्या है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाया हूँ? आई विल गिव माय स्वीट हार्ट वाइफ 3 guesses, 1, 2 and 3। ब्यूटिफुल स्कर्ट एंड हियर इज अ टॉप, हियर आर दी स्टॉकिंग्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट अ हैट। अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, घूमने के बाद हमें एक पार्टी में जाना है। पार्टी में ये ड्रेस पहनकर जाऊंगी? तुम क्या मुझे कार्टून बनाना चाहते हो? पहले पहनो तो सही। नहीं पहनूंगी। नहीं पहनोगी? नहीं पहनोगी? बोलो पहनोगी? क्या कर रहे हो? बोलो। उतारो ना। पहनोगी? हाँ। चलो बाहर जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। ओके। अच्छा बाहर तो जाओ। अच्छा बाबा मैं उधर मुंह कर लेता हूँ, बाहर बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर जाओ। ए, इधर देखोगे तो नहीं पहनूंगी। मुझे ये बात ही समझ में नहीं आई, मुझसे क्या शर्म, कमाल है। नहीं कम ऑन, हरी आप हरी आप, तुम कपड़े बदल लो। या ऐसे क्या देख रहे हो? जी चाहता है जिंदगी भर मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूं। प्रकाश तुम इस ड्रेस में बहुत बहुत सच, अगर यही बात है तो इस ड्रेस को सारी जिंदगी सीने से लगा कर रखूंगी। प्रकाश सारी जिंदगी यूं ही हंसते खेलते गुजर जाएगी ना। लव डोंट वरी, जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। प्रकाश सर, आज वर्मा जी नहीं आए, अगर आप इजाजत दें तो उनके पीरियड में हम क्रिकेट खेल सकते हैं। जितना खेल में मन लगाते हो उतना अगर पढ़ाई में लगाओ तो तुम्हें भी सुख मिले और मुझे भी। तरासने पर पत्थर भगवान बन सकता है तो इंसान क्या नहीं बन सकता। ये सर ट्राई टू अंडरस्टैंड मी विजय, मुझे तुमसे कुछ खास लगा है इसीलिए ये सब कह रहा हूं। ये सर, अब सर वो सब लड़के रुके हुए हैं। अच्छा जाओ खेलो। थैंक यू सर। मेरे मोटरसाइकिल वापस दो। बेटी मैं खाना खाने बेटी। नहीं खाऊंगी। हाँ डैडी। क्या है? क्या बात है बेटी? देखो डैडी मेरी मोटरसाइकिल देता नहीं। बसंत। ये लो बेटी। ये लो मोटरसाइकिल। अब रोना नहीं। डैडी आप कितने अच्छे हैं। इसे बोलो जाओ यहाँ से। चलो बसंत निकल जाओ यहाँ से। अच्छा। और देखो हाँ बिटिया के लिए दूसरा खाना ले आओ। अच्छा। तुम तो कह रहे थे प्रकाश आएगा, वो तो अभी तक आए नहीं। आएगा बेटी, जरूर आएगा। कब आएगा? तुम उसे झूठ कह रहे हो ना, तो सच बताओ ना। ये क्या तुम रो रहे हो? प्रकाश जरूर आएगा, तुम मत रो ना, प्रकाश जरूर आएगा। ये क्या, ये फिर से आ गया? ऐसे कहो जा यहाँ से। अच्छा अच्छा बेटी मैं तुम्हें खिलाता हूँ। लो ले। डैडी प्रकाश ने तो खा।
खाना खाया ही नहीं। आप जाओ डैडी, मैं प्रकाश के साथ खाऊंगी। जाओ ना डैडी, आपके सामने मैं प्रकाश को खाना कैसे खिलाऊंगी, मुझे शर्माती है। तू भी खा ले, मैं भी खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ दौरता, लेकिन जितना सोचोगे उतना ही परेशान होगे। मैं जानता हूँ डॉक्टर सेन, आदमी जितना सोचता है उतना ही परेशान होता है, लेकिन आदमी जितना परेशान होता है उतना सोचता भी है। कौन जानता था कि शादी के बाद प्रकाश की जिंदगी सिर्फ 3 दिन की है, और मीना की जिंदगी, खैर वो तो तुम जानते ही हो। धीरज रख यार, सब ठीक हो जाएगा, और फिर मीना का मैं अच्छे से अच्छा इलाज कर रहा हूँ। डॉक्टर सेन, रोग जब किस्मत बन जाए तो इलाज से क्या होगा? ऐसा मत हो यार, बात दरअसल यह है कि जब तक मीना के दिल में प्रकाश की याद बाकी है उसे ठीक होने में वक्त लगेगा। द्वारका, तुम कहते थे ना कि तुम्हारे कॉलेज में एक लड़का है जिसकी शक्ल हूबहू प्रकाश से मिलती है, उसे घर ले आओ, वो मीना के लिए दवा बन सकता है। नहीं डॉक, वो दवा का मजा है ज्यादा है। तब तो वक्त ही बेहतर इलाज साबित होगा। बातों बातों में लेट हो रहा हूं यार, अभी विजिट के लिए हॉस्पिटल भी जाना है, चलो। अच्छा, क्या हुआ बिटिया? मैं सत्य का, मेरा मोजा नहीं मिलता है, वो मुझे प्रकाश ने दिया था। मैं मोजे के बगैर बाहर घूम कैसे जाऊंगी? नहीं, मुझे चाहिए। अभी ढूंढ देता हूँ। कहाँ गए बेटा का मोजा? कहाँ कहाँ गए होंगे? इंदौर में नहीं। ये रहा मोजा। तुम कितने अच्छे हो बसंत, जब प्रकाश आएगा ना मैं उससे कहूंगी तुम्हें मोटरसाइकिल पर बिठा, तुम बैठोगे ना? हाँ बेटा, जरूर बैठूंगा। हाँ, प्रकाश आता ही होगा, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। बिटिया तुम सो जाओ, प्रकाश आएगा ना तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। हाँ, मैं सो जाऊंगी। हाँ, तुम मुझे जगा देना। जरूर जगा दूंगा, भूलना मत। नहीं, अच्छा सो जाओ बेटी, सो जाओ, भूलना मत। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सो जाओ। देखो वसंत जी मालिक, तुम इस घर में अभी नए नए आए हो, इस घर की और मीना की पूरी जिम्मेदारी तुम पे है। एक बात ध्यान रखना, मीना जो भी करे उसे रोकना नहीं, नहीं उसके हाथ से कोई चीज कभी छीनना। जी मीना बेटिया, ऐसे कैसे पागल हो गई मालिक? क्या बताऊं वसंत, इसको मालूम था कि प्रकाश की हंसी, दूसरों को हंसाने वाली बातें सिर्फ पल दो पल के लिए हैं। उसके मौत का सदमा मैंने तो सह लिया, लेकिन मीना पागल हो गई और प्रकाश के दिए हुए कपड़े हमेशा के लिए उसका लिबास बन गए। ये इस घर की मास्टर की है, इसे अपने पास रख लो। मीना को अकेला छोड़कर जाते वक्त दरवाजा बाहर से लॉक किया करना, मीना का ख्याल हमेशा रखना। कल रात तुम्हारा लाडला कितने बजे आया था? कल तो जल्दी आया था। तुम सच क्यों बोलने लगी? 12 बजे तक तो मैं जाग रहा था। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बेटे, आज तुम 5 मिनट लेट हो। मैं आपसे माफी जरूर मांग लेती, लेकिन दरअसल मुझे देर आप ही की वजह से हुई है। मेरी वजह से? जी, आपको याद है आपने पुजारी मर्डर केस पे कुछ नोट्स बनाने के लिए मुझे एक फाइल दी थी। चलते चलते मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स याद आ गए, बस उन्हें नोट करने में मुझे देर होगी। ये लीजिए। नेवर माइंड, तुम्हें तो हमेशा वकालत की ही सोचती है। चलो नाश्ता कर लो, बाद में। बेटी तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपने जमाने की एक दिन बहुत बड़ी वकील बनोगी। You think so? आखिर शागिर्द किसकी हूँ? मिस्टर शांति प्रसाद गोयल, द टॉप लॉयर ऑफ द सिटी। थैंक यू, लो चाय पियो। बस ठीक है आंटी। राकेश दिखाई नहीं दे रहा, क्या सो रहा है?
वो कभी जल्दी सोकर उठा है? फिर आजकल तो कॉलेज के इलेक्शन चल रहे हैं। कॉलेज के इलेक्शन न हुए जैसे देश का इलेक्शन हुआ। मैं खुद ही देख लेती हूँ। See you later. आप हमेशा उसको डांटते रहते हैं। अरे डांटू नहीं तो क्या सर पे बिठाऊं उसे? एक जमाने में वो आशा के साथ पढ़ा करता था, आज ये वकालत कर रही है और वो नेतागिरी में लगे हुए। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारूमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।